मनीष गुरु, आज है 1 मार्च, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। ODOFP में डी क्या है? तो डी है डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था 19वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विकास निधि समिति ने किस देश को लिस्ट डेवलप्ड कंट्री LDC की श्रेणी से उन्नत करने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य उद्योग विभाग ने किस जिले में एक खिलौना निर्माण क्लस्टर प्रस्तावित किया है? तो ये किया है कोप्पल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में उत्तर पूर्व के स्थानीय निकायों के लिए एक परिचित और आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा किया गया था? ये किया गया था मेघालय राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 की तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत की वास्तविक GDP वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को सकारात्मक विकास दर के पूर्व महामारी काल में वापस ला दिया है? तो ये है 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है बेलचेरू नारायण राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कुंभ मेले के आगे निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से किस पर एक एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है? तो किया गया है हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 के पहले सप्ताह में सेराबीक सम्मेलन 2021 के दौरान सेराबीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा? तो ये करेंगे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेंट की ई क्लिनिकल मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार डाउन सिंड्रोम वाले वयस्क सामान्य आबादी की तुलना में COVID-19 से मृत्यु की संभावना कितनी अधिक थी? अधिक थी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया, यानी सभी ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक प्रदर्शन दल फिक्स्ड विंग सूर्यकिरण और रोटरी विंग ANG सारंग किस देश में पहुँचे? तो ये पहुँचे हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 में चल रहे खरीफ विपणन ऋतु में 26 फरवरी 2021 तक कितने लाख से अधिक धान की खरीद जा रही है? तो यह है 663.68 विपणन ऋतु में 663.68 लाख से अधिक की धान खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 97वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया? तो संबोधित किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने स्थापना दिवस की वर्षगांठ कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो मनाई है 35वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में फिक्की उच्च स्तर शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो किया है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दिया है तरुण बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से कौन ब्राजीलियाई उपग्रह AMAZONIA-1 को लॉन्च करने जा रहा है? तो यह है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवैक्स पहल के माध्यम से COVID-19 वैक्सीन खुराक का शिपमेंट प्राप्त करने वाला घाना के बाद दूसरा देश कौन सा देश बन गया है? तो बन गया है आइवरी कोस्ट।